नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते यूपी में जुबानी जंग जारी है, जहां बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक संगीत सोम ने रविवार को एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ जुबानी जंग छेड़ दी है, जहां मेरठ के सरदना से विधायक संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने दंगे में हिंदू भी कटवाए और मुस्लिम भी। दरअसल मेरठ में एक सड़क लोकार्पण के कार्यक्रम के दौरान सरदना विधायक संगीत सोम ने मंच से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान संगीत सोम ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पर नजर आए और 5 साल तक सपा सुप्रीमो ने ट्विटर ही खेला है। वहीं उन्होंने कहा कि अगले 25 साल तक उत्तर प्रदेश की सत्ता का ख्वाब ना देखें, क्योंकि 5 सालों में जो समाजवादी सरकार ने किया वो जनता समझ चुकी है और अब जनता सपा को सत्ता में नहीं देखना चाहती है। साथ ही इस दौरान विधायक सोम ने कहा कि अगर सपा इस विधानसभा चुनाव में 22 सीटें जीत जाती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। बता दें कि रविवार को वो केंद्रीय मंत्री व मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान के साथ भगवानपुर गांव में सड़कों के शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।